जय दशामा, आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। दोनों भी चक्र और एकल देखें तो उसमें से लेंगे साथ साथ कार्ड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इमेज देख के ही पता चलता है थोड़ी सी सेक्सुअल बातें कुछ दिलो दिमाग में चल रही है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। तो बातचीत तो करना चाहते हैं लेकिन जो थॉट्स हैं वो थोड़े से इस तरह के सेक्सुअल थॉट्स हैं जिसकी वजह से ये हिचकिचा रहे हैं, या आज काफ़ी वक्त से ये इन्हीं बातों को लेके सोच रहे थे कि अपने दिल में जो बातें हैं वो आपसे कैसे कहें। तो अभी भी इसी उलझन में फंसे हुए हैं, शायद ये कोशिश करना चाहते हैं अपनी बात आप तक रखने की लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्सन का चेहरा हम नहीं देख पा रहे, वैसे ही आपके जो पर्सन हैं वो आपके सामने अपना असली चेहरा नहीं ला पा रहे हैं। कोशिश तो करना चाहते हैं बात खुल के करने की लेकिन उनसे ये बातचीत नहीं हो पा रही है। फिर है प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस प्रिंसेस के हाथ में जो वैंड है वो रिप्रेजेंट करता है इसकी पैशन को, और ये ग्रीन चक्र कलर रिप्रेजेंट करता है इसके हार्ट को। तो इसके दिल में जो पैशन है आपके लिए वो ये अपने तरीके से आपको बोलना चाहती है लेकिन अपने दिल की बातें कहें तो कहे कैसे। जैसे अभी आप खुद सोचिए, इस वक्त अगर आपको अपने पर्सन की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है और आपके मन में उनको लेके काफ़ी कुछ ख्यालात हैं तो आप भी यही तो सोचेंगे ना कि कैसे उसको ये बताऊं और कैसे कहूं, वो क्या सोचेगा या क्या सोचेगी। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं लेकिन अपोजिट अट्रैक्ट्स, ऐसा हुआ है यानी कि शायद आपको भी अब अगर बातें आप याद करें पास्ट को लेके, तो जब पहली बार आपने अपने पर्सन को देखा होगा तो आपको भी लगा होगा कि ये कैसा है, या फिर उनके अंदर की जो आपके अपोजिट जो भी बातें हैं वो आपको स्पेसिफिकली कुछ खटकी होंगी कि इसका तो नेचर ऐसा है, ये वैसी है, इस तरह से लगा होगा। लेकिन ये कब प्यार में बदल गया ये आपको भी पता नहीं चला। तो वैसे ही बातों को लेके ये सोच रहे हैं कि अब जब प्यार हो ही गया है तो हिम्मत जुटा के अपने दिल की बात उस पर्सन तक कहने में मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ये ऑरेंज कलर जो रिप्रेजेंट करता है सैक्रल चक्र को, तो काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स हैं, रोमांटिक थॉट्स हैं और पैशनेट थॉट्स भी है जो आमतौर पे इनको एक्सप्रेस ना होने पे थोड़ा गुस्सा दिला देते हैं और ये खुद के ऊपर ही नाराज़ हो जाते हैं कि मैं इतना भी नहीं कह सकता या फिर वो क्या सोचेगा इसको लेके, मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आफ्टर ऑल वो मुझसे प्यार करता है या प्यार करती है। तो खुद ही खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है द एम्परर, यहाँ पे जैसे ये पर्सन बुज़ुर्ग इंसान थोड़ा सा लग रहा है और ये जो फीमेल पर्सन है वो उसकी तरफ देख रहे हैं कि ये जैसे परमिशन देगा तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो वैसे ही इनको शायद पता है कि आप दोनों के रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके कुछ प्रॉब्लम है, तो वो है घर वालों की, और आपके घर वाले हो सकते हैं या इनके घर वाले हो सकते हैं। तो उन्हीं घर वालों के बारे में राइट नाउ ये सोच रहे हैं, यानी कि
इन लोगों की वजह से आपका मिलना या फिर ज़िंदगी में एक साथ आगे बढ़ना कितना डिलेज हो रहा है, इसको लेके काफ़ी कुछ इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं इन घर वालों के ऊपर भी उनको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लियो के बिल्कुल नेक्स्ट कार्ड हमें ये मिला है। तो ये हिम्मत जुटा के शायद उनसे भी कहना चाहते हैं कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, लेकिन ये बातें वो अपने मन में बोल रहे हैं। ओपनली बोले तो बोले कैसे, अगर बोलना है तो स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, यानी हिम्मत से वो सब बातें फेस करनी पड़ेगी जो शायद ये टालते आ रहे हैं। फिर है टू ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे तो रेड कलर है और बॉर्डर जो है वो ऑरेंज कलर है। रेड कलर रिप्रेजेंट करता है पैशन को, और ये पर्सन पैशनेटली अपनी मर्जी के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे दो पेंटेकल्स साइड में है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी और उनकी ख्वाहिशों के बीच में कई सारी ऐसी बातें हैं जिस वजह से आप इस प्यार में आगे नहीं बढ़ पा रहे। जैसे ये जहाज़ है, ये पानी में है, अब समंदर का पानी कब कैसे रुक लेगा ये तो कोई नहीं बता सकता। वैसे ही इनको लग रहा है कि अब अपने दिल के जज्बातों को संभाल पाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पे दो बार 2-2 आया है, तो आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। जैसे कि आज आपको पता ही है 2 नवंबर है और ये 2-2 भी मिला है, तो हो सकता है आपके लिए एंजल्स कोई साइन भेज रहे हैं। फिर हैं द फूल, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ज़िंदगी में एक नई शुरुआत चाहते हैं। यहाँ पे रेड कलर है जो रिप्रेजेंट करता है पैशन को, तो पैशनेटली आगे बढ़ना है। थोड़ा सा केयर फ्री होके, मतलब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, रिस्क लेने को भी तैयार है, लेकिन अब बस रुकना नहीं है। जैसे फूल का कार्ड तो आपको पता ही होता है, आमतौर पर बाकी के डेक में जो होता है वहाँ पर वो चोटी की आखिरी ढलान तक पहुँच जाता है, आगे रास्ता नहीं होता, इतनी आप कह सकते हैं ऊपर तक वो पहुंच जाता है और नीचे बिल्कुल भी देखने को तैयार नहीं होता, उसको बस आगे बढ़ना होता है। रिस्क कोई भी हो वो उठाने को तैयार होता है। वैसे ही ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब प्यार किया ही है तो इन सब बातों से डरना क्या है, यानी कि घर वाले हो या फिर कुछ और मसले हो, जैसे पैसों को लेके हो या फिर कुछ दिक्कतें हो, तो अब इनकी फिक्र करने से होगा क्या, अब जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन बस चलो आगे बढ़ते हैं अपने दिल की सुनते हुए। तो ऐसा तो इस वक्त ये सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। काफ़ी सारी ख्वाहिशें हैं जो पूरी होने का इनको बेसब्री से इंतज़ार है, और इन्हीं ख्वाहिशों को लेके शायद ये हर दिन सोचते रहते हैं कि कब वो दिन आएगा जब मेरे दिल की हर एक ख्वाहिश पूरी होगी। और इसी बात को लेके ये शायद हर रात अपने दिल को बहलाते रहते हैं और अभी भी वही कर रहे हैं। फिर है जो खुशी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और उनको पता है कि ये खुशी उनको तब होगी जब ये आपको अपने दिल की बात बताएंगे या फिर आपकी तरफ से कुछ बातें ऐसी सुनेंगे जिसको सुन के इनका दिल खुशी से झूम उठे। तो वही सब बातें क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, इसके बारे में सोच रहे हैं। फिर है परफेक्शन, तो खुद को और ज़्यादा परफेक्ट बनाना चाहिए ऐसा उनको लग रहा है, यानी कि आपके कंपैरिजन में जब वो खुद को साबित करना चाहते हैं शायद आपके घर वालों के सामने, तो उनको लग रहा है कि और ज़्यादा उन्हें परफेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये तो कार्ड बता ही रहा है एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, तो और ज़्यादा खुद के अंदर वो चाहते हैं कि बदलाव उनको लाने ज़रूरी है। वो क्या बदलाव हो सकते हैं, ऐसी क्या बातें हो सकती है कि सब लोग इनकी तारीफ़ करें या फिर सब लोगों की नज़रों में वो बात आ जाए और काफ़ी लोग इन्हें पसंद करें, इसके बारे में भी सोच रहे हैं। फिर है फैकर, पास्ट में शायद इनका इनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत गहरा रिश्ता रहा है या फिर इनके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, इसमें से शायद कोई आज इस दुनिया में नहीं है और ये उस पर्सन से इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आज भी कनेक्टेड हैं, और स्पेसिफिकली जब इनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं तो ये आज भी उनको याद करते हैं कि काश वो मेरा पर्सन मेरे साथ होता। तो उनको याद करके अपने दिल की बातें शेयर करते हैं और उन्होंने बचपन में क्या क्या सुनाया था, क्या क्या स्टोरीज थी, कैसे मोटिवेट किया था, वो सब बातें याद करके भी खुद को हौसला दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे डरना नहीं है, मुझे बस आगे बढ़ना है, बाकी इन सब का आशीर्वाद तो है ही मेरे साथ। मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा वो मानते हैं और शायद ये उनके हार्ट के भी बहुत ज़्यादा करीब थे। फिर है इनसिक्योरिटी, तो अपने दिल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं ये, और कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है अपने दिल को लेके। जैसे यहाँ पे डेविल है, ये डरा रहा है कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगा, वैसे ही शायद इनके घर वाले खुद के हो सकते हैं या फिर आपके घर वाले, जिनकी बातें
या फिर उनका एक्शन इनको लग रहा है कहीं मेरे दिल को ठेस ना पहुंचा दे, तो वो बात क्या है इसके बारे में भी सोच रहे हैं। फिर है वैनिटी, यहाँ पे तो एक बुजुर्ग इंसान है जो सबको बता रहा है कि फिर सिर्फ खाओ पियो मजे करो, इतनी ज़िंदगी नहीं है। तो वैसे ही ये भी जानते हैं कि घर वाले शायद इनको हर रोज़ यही बोलते होंगे कि तुम ज़िंदगी का तुम्हें कुछ तजुर्बा नहीं है या फिर ये नहीं वो नहीं, तो अपने अपने तरीके से ये उनको लेक्चर देते हैं या फिर समझाने की कोशिश करते रहते हैं। तो भले ही घर वालों को लगता हो कि ये पर्सन उनकी बातें सीरियसली नहीं लेते या फिर बिल्कुल भी नहीं सुनते या उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन ऐसा सच में नहीं है। ये पर्सन अभी भी उनकी कही हुई बातों के बारे में गौर करते हुए सोच रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने कहा था, हाँ सच में कितनी बातें ज़रूरी होती है, और जो भी इम्पोर्टेंट बातें वो कहते रहते हैं उनके बारे में भी ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है इम्पेशंस। तो जैसा कि मैंने कहा, अब उन्हें रुकना नहीं है, अब इनके अंदर सब्र बिल्कुल भी नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। बेसब्री से ये बस आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे ये कोशिश कर रहा है चांद को छूने की। इसको पता है सीढ़ी पे चढ़ के ये चांद को नहीं छू सकता, लेकिन फिर भी इसको ये मन तो एटलीस्ट उसको बोल रहा है कि तुमने कोशिश तो की अपने तरीके से उस चांद तक पहुंचने की। वैसे ही आपके पर्सन हो सकता है आपको पाने के लिए अब कोई भी स्टेप उठाने को तैयार है, और यही स्टेप क्या हो सकता है या फिर कितना रिस्क है इसके बारे में शायद ही आपको बताना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है सर्विस। तो कोई तो है जो शायद थोड़ा सा बीमार है, आपके पर्सन थोड़े से हेल्थ इश्यूज से शायद लड़ रहे हैं, या फिर हो सकता है घर में इनके कोई बीमार है जिसको लेके ये सोच रहे हैं कि ऐसी हालत में मुझे उस पर्सन का ख्याल रखते हुए, अभी भी हो सकता है उनका ख्याल रखते हुए ये जगे हुए हैं। अगर इनकी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है तो वैसे भी इनको नींद नहीं आ रही, लेकिन वो सोच जरूर रहे हैं कि ऐसी हालत में कोई अपना साथ हो तो बात कितनी बदल जाती है, या फिर ऐसे वक्त में अपने पर्सन का साथ होना क्या मायने रखता है। तो आप कह सकते हैं कि आपके साथ को मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेके हमेशा के लिए आपको कैसे पा सकते हैं, और दोनों कैसे आप हमेशा के लिए एक हो सकते हैं, घर वालों के अगेंस्ट जाके अगर फैसले लेने पड़ सकते हैं तो क्या क्या बातें हो सकती है, ऐसी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।